हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आज निफ्टी ने 19,694 में क्लोज दिया है और 37 पॉइंट मतलब डाउन होकर क्लोज दिया है। और अभी की 10 बजने वाले हैं, रात की 10 बज रहे हैं। और निफ्टी है जो 19,766 में ट्रेड कर रही है। देख सकते हैं डाउ जोन्स भी करीब करीब 100 पॉइंट अब चल रहा है। और यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा थोड़ा फ्लैट ही लगभग लगभग। तो अपन निफ्टी के बारे में अपडेट देख लेते हैं कल के लिए, क्या कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे एक बार। थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम से अपन नीचे आते हैं। अगर देखेंगे डे टाइम फ्रेम में तो एक चीज़ अपन को नज़र आती है कि आज की जो कैंडल बनी है और पिछले 3 दिन की जो कैंडल देखेंगे तो वो इन साइड वार मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक छोटी कैंडल इन साइड हो रही है, मतलब इन साइड वार कैंडल बन रही है। तो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है इसमें अगर देखेंगे अपन। बहुत अच्छे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और जो भी लेवल आ रहे हैं उसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है। ऊपर से भी ये ट्रेंड लाइन आ रही है और अगर थोड़ा सा देखेंगे इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बन रहा है ये 680 का, जो 19,680 जो है ना, उसका जो सपोर्ट अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट कल की डेट में चला गया, कल की डेट में अगर 19,680 के नीचे मार्केट जाएगा तो ये करीब करीब 620 के लेवल तक आ जाएगा। ये 620 के लेवल में आके ही सपोर्ट लेगा, इसके बीच में सपोर्ट नहीं लेगा। ये मार्केट बीच में ले लिया तो ले लिया, नहीं तो मुश्किल है। ये लिए मार्केट सपोर्ट डायरेक्ट आके 19,620 में ही सपोर्ट लेगा ये डाउन साइड। अगर इससे और नीचे कहीं चला गया मार्केट तो इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ये वाला जो सपोर्ट बन रहा है 520 का, डायरेक्ट 100 पॉइंट की गिरावट मिलेगी। अगर 620 से नीचे मार्केट जाता है तो डायरेक्ट निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट कल की डेट में देखना रहेगा कि कल की डेट में मिल रहा है ये 100 पॉइंट की गिरावट या परसों मिल रहा है। अभी अपसाइड के भी लेवल देख लेते हैं और अगर उससे भी नीचे जाता है 500 आएगा तो नहीं, लेकिन निकाल देते हैं कि कहाँ तक आ सकता है ये मार्केट। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गए हैं ये डाउन साइड के हैं। अब अपसाइड में देख लेते हैं कि अगर अपसाइड जाएगा मार्केट तो अपसाइड जाने के कितने चांसेस हैं और कहाँ तक जा सकता है। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को, पहला रेजिस्टेंस तो यही मिलेगा जो जहाँ पर आज मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया है, ये वाला 655 वाला, जो 755 वाला जो एरिया है, ये 755 से 50 तक
ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही है, अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो ये 800 के लेवल तक जाएगा। सौ के लेवल तक ये मार्केट जाएगा अगर ऊपर जाता है इसके, तो 700 से ऊपर जाएगा तो ये 800 तक में जाएगा। और अगर इससे ऊपर चला गया तो ये मार्केट फिर जो लास्ट रेजिस्टेंस है 850 वाला, ये वाला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे के दोनों साइड के अपन ने सपोर्ट लेवल देख लिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और साथ में ट्रेंड लाइन भी देख लिए कि कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट मार्केट सुबह ही ब्रेक कर देगा, हो सकता है। तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा बीआरएस मार्केट रहेगा, और सपोर्ट डायरेक्ट 620 में है इसके बाद में अगर नीचे आएगा मार्केट तो ठीक है दोस्तों। ओके, निफ्टी के लेवल तो बता दिया, अभी बैंक निफ्टी के लेवल भी निकाल के दूसरी वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।